सब कुछ है। किन मांगों को लेकर आप लोग ये सत्याग्रह पर बैठ गए हैं, कितने दिनों से बैठे हुए? लोग 14 तारीख से लगातार, आज 18 तारीख हो गया, आज तक धरना प्रदर्शन, आज 5 दिन हो गया। हाँ, आज 5वां दिन है जी। निगम प्रदर्शन में कर रहे हैं, और जो है हमारा मांगे है, जो प्राचीन ब्रिटिश जमाने का खरगा टोली से लेकर के भवैया पुल होते हुए रेलवे दिल्ली जाती है, वही धीरे धीरे करके ग्लोच हो गया है, और जल निकासी की बहुत दुविधा होती है, 1 से लेकर 5 वर्ष तक के जल निकासी उस पुल लेकर होती थी, जो आए दिन भरते भरते उसको माफियों ने अपने ग्रिप्स में ले लिया और उसने बेच दिए हैं, और उसमें अभी निगम के द्वारा जो नाला का निर्माण कराया जा रहा है 40-45 लाख की लागत से, उसको अधिक्रमण मुक्त किए बिना न उसको उड़ाई करे, अलग से रोड तोड़ करके खंजाकरण ढलाई का रोड तोड़ करके नाली का निर्माण कर रहे हैं, उसका आउटलेट का पता नहीं कि नाली का पानी जो आएगा अभी वो जाएगा कहाँ, उसका पता नहीं। जो क्या कहेंगे आप? मैं 2/8 के परसों जयंती देवी, आज 5वां दिन है धरना का, धरना पर बैठी हुई हूँ। सही डिसीजन नहीं हुआ है अब तक, लेकिन इस बात की खुशी है कि इन्होंने नगर निगम द्वारा नोटिस भेजा गया है, जिन लोगों ने अतिक्रमण किए हुए हैं उनके द्वारा, इस बात की मुझे खुशी है। और नोटिस किया गया है? हाँ, नगर निगम द्वारा। तो वो जो नाले का जो कार्य है, हाँ, जो प्रारंभ चल रहा था, हाँ, क्या वो काम चल रहा है या बंद है? नहीं, वो तो हमको यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि वहाँ काम रुका हुआ है। काम रुका हुआ? हाँ, ऐसे डिप्टी मेयर साहब बोले थे कि कल हम जाएंगे अपने स्थल से, मतलब वहाँ पर जाँच पड़ताल करेंगे जैसे क्या होगा, लेकिन अभी मुकर रहे हैं जाने से। किन मांगों को लेकर सत्याग्रह पर बैठे, क्या कहना है आपका? देखिए, मुख्य बात हमारी ये है कि पानी के बारे में बिहार सरकार बार बार दे रही है निर्देश कि परंपरागत जो स्रोत हैं पानी के वो क्लियर किए जाएं। इस केस में परंपरागत स्रोत को नकार करके, इग्नोर करके, आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल तालाब के सटे हुए एक नाला का निर्माण हो रहा है, ये तो बिहार सरकार का जो आदेश है नीतीश कुमार जी का, उसकी अवहेलना हो रही है, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप कभी जाके वहाँ देखें, पोखर के बगल में नाला का निर्माण उच्चतम न्यायालय का फैसला है, कभी हो नहीं सकता, हेल्थ के लिए हैजार्डस है, नंबर वन। नंबर टू, जब वो नाला आगे बढ़ेगा तो पानी कहाँ जाएगा? 5 वार्ड का पानी वहाँ पहुँचेगा, तो क्या होगा? आप जाके देखें, वो नाला आगे नहर में कहीं जाके मिलने वाला है, डेड एंड है। आप जा, वही तो मैं, यही सवाल हमारा है, वो तो वहाँ पर क्या कहते हैं, मकान बने हुए हैं 2-3 मंजिले ऊंचे, जमीन खड़ी है, वो कहीं जाएगा ही नहीं, ये पक्का। आप भी जाके देख लें, ये पक्का है कि पानी वहाँ से वापस होगा। ये वार्ड नंबर 2 के पार्षद यहाँ सत्याग्रह पर आज 5वें दिन बैठे हुए, इसके लिए क्या विकल्पिक व्यवस्था आपने किया है, क्या सब किया है? देखिए, हमने पूरे जो भी वार्ड 2 का जो क्षेत्र है उसका सबका हम लोग फील्ड में गए थे, जाके हमने मौका मुआयना किया, वहाँ पे जो भी समस्या थी स्थानीय लोगों से बातचीत की, और जहाँ तक समस्या समाधान की जा सकती थी वहाँ पे हमने वैकल्पिक जो पानी का रास्ता है उसको निकाल लिया है और उस पर कार्य चल रहा है। कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उसके लिए हम लोग ने अपने स्तर से SDM को चिट्ठी लिख दी है और उस पर उनसे अनुरोध भी किया है जल्द से जल्द इस जो प्रक्रिया है उसको पूरी करें, अतिक्रमण को हटाएं, ताकि जो समस्या स्थानीय लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको दूर किया जा सके।